जिस मनुष्य के पास धैर्य एवं सब्र की ताकत होती है, उसकी शक्ति का मुकाबला विश्व में कोई नहीं कर सकता। अंततः अपने हृदय में धैर्य को हमेशा स्थान दे। नमस्कार, बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। राशिफल के जरिए आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों हनुमान जी को नारंगी सिंदूर चढ़ाया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार लंका से लौटने के बाद एक दिन जब माता सीता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, उसी समय हनुमान जी ने उनसे इसका कारण पूछा। हनुमान जी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए माता सीता ने कहा कि प्रभु श्री राम की लंबी उम्र की कामना के लिए वो मांग में सिंदूर लगाती है। माता सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु को इतना लाभ है, तो मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम अमर हो जाएंगे। उस दिन से हनुमान जी ने अपने शरीर में सिंदूर का लेप लगाना शुरू कर दिया। उसी समय से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा भी प्रचलित हो गई। सिंदूर मुख्य रूप से दो तरह की होती है, लाल और नारंगी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को नारंगी सिंदूर ही लगाना चाहिए। दरअसल लाल सिंदूर श्रृंगार और विवाह का प्रतीक माना जाता है, वहीं नारंगी सिंदूर समर्पण को दर्शाता है। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्हें लाल नहीं बल्कि नारंगी सिंदूर लगाने की ही सलाह दी जाती है। तो आप भी हनुमान जी को लाल नहीं नारंगी सिंदूर लगाए, आपकी भी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अब राशिफल की तरफ रुख करते हैं, शुरुआत मेष राशि से करेंगे और जानेंगे 7 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। 7 फरवरी का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई जरूरी काम आज टाइम से पूरा हो जाएगा। आज किसी जरूरतमंद की मदद करने में संकोच ना करें। सबकी दुआओं से कोई सुखद परिणाम आएगा। और मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। आपके दिमाग में मनोरंजन की बात छाई रहेगी। आगे कदम बढ़ाएं और अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ मिलकर कुछ खास करें। नौकरी व्यवसाय की जगह भी साथी कर्मचारी का और उच्च पदाधिकारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण न होने से मानसिक हताशा पैदा हो सकती है। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। कार्यस्थल पर नवीन समीकरण के चलते आप पूरे समय व्यस्त रहेंगे। कुछ रुकी हुई परियोजनाएं अब प्रगति कर सकती है। नौकरी पेशा जातकों को आज प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। इच्छित स्थान पर स्थानांतरण भी संभव है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। 7 फरवरी का दिन मिला जुला रहने वाला है। नेगेटिव थॉट्स को आज दिमाग बनाने दें। धन लाभ का योग बन रहा है, साथ ही खर्चों में भी इजाफा होने वाला है। इस राशि के छात्रों को आज भविष्य के लिए योजना बनाकर पढ़ाई करने की जरूरत है। और अब बात करेंगे सिंह राशि की और जानेंगे 7 फरवरी का दिन सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। दिन की शुरुआत में कुछ रुकावट आ सकती है। सामाजिक मेल मिलाप आपको व्यस्त रखेगा। आपको आर्थिक योजना के लाभ मिलेंगे। पड़ोसी से तनाव मिल सकता है। आज विद्यार्थियों का मन किताब से हटकर अपने दोस्तों के साथ मजे करने को करेगा। चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। कुछ लोगों के लिए 7 फरवरी का दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने साहस और संगठित कार्य के बल पर आप आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को अधीनस्थों के कारण कुछ आकस्मिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आपकी समझ और विनम्रता से लोग काफी प्रभावित होंगे। परिवार में चल रही समस्याएं आज सुलझ जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की और जानेंगे 7 फरवरी का दिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कोई छुपा विरोधी आपको गलत साबित करने की पूर्ण कोशिश करेगा। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विचारों की दृढ़ता के साथ आप सावधानी पूर्वक काम करेंगे। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। 7 फरवरी के दिन व्यवस्थित रूप से कार्य करने पर चीजें आपको आगे बढ़ाएगी। यदि आप आयात या निर्यात से जुड़े हैं और विदेश यात्रा के इच्छुक हैं, तो आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। और चलिए अब बात करेंगे धनु के बाद मकर राशि की। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। छोटे मोटे धन लाभ होते रहेंगे। फिजूल खर्ची से बचे। इस राशि के टीचर का ट्रांसफर भी हो सकता है। विवाहितों का किसी बात पर जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की और जानेंगे 7 फरवरी का दिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है।
धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, नौकरी व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां रहेगी, हर कार्य सरलता से पूर्ण होगा, मान सम्मान मिलेगा, किसी भी कार्य में सोच कर शीघ्र निर्णय लीजिएगा। और चलिए अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। 7 फरवरी का दिन मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन अंततः चीजें आपके पक्ष में और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। शांति और धैर्य रखते हुए आगे बढ़ने से चीजें आपके नियंत्रण में आती रहेंगी। बोलते दारे में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।